लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। देश में नागरिकता संशोधन कानून बनाए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। खरगोन में जमात सलाहुल मुस्लिमीन के बैनर तले मुस्लिम समाजजन अंजुमन नगर स्थित मैदान में इकट्ठा हुए और यहां एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा यह बिल बाहरी देशों से आने वाले नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन इसमें मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों को लिया गया है। यह देश की मूल भावना के विपरीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन ने जो 9 तारीख को लोकसभा में बिल पास किया है और राज्यसभा में 11 तारीख को पास हुआ है, उस बिल में भाई भतीजावाद किया गया है। केंद्रीय गवर्नमेंट भाजपा की है, वो ये सिर्फ मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती अत्याचार करने का प्लानिंग कर रही है। इस ज्ञापन से, इस आम सभा से हमने ये संदेश दिया है कि केंद्रीय गवर्नमेंट ये ना समझे कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान डर जाएगा, इस हिंदुस्तान का मुसलमान भाग जाएगा। ये इत्तिदा है, आगे अगर कुछ, ये पहली इत्तिदा है, अगर आगे कुछ किया केंद्र गवर्नमेंट ने मुसलमानों के साथ तो खुल के मैदान में आएगा इस हिंदुस्तान का मुसलमान इंशाअल्लाह। क्या नाम है? सियाजुद्दीन शेख, जमात इस्लाम मुस्लिमीन खरगोन सदर।